प्रदेश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। इस महामारी के बढ़ते संक्रमण में इंदौर और भोपाल दोनों शहर सबसे आगे हैं। ऐसे में दोनों ही शहरों की पुलिस लोगों पर मास्क पहनने के लिए सख्ती कर रही है। इस बीच मंगलवार को इंदौर पुलिस द्वारा एक रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक रिक्शा चालक की बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है जो पुलिस वालों से कह रहा है कि अंकल मेरे पापा को छोड़ दो। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर SP ऑफिस अटैच कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन इस सब में पुलिस मास्क न पहनने पर हुई मारपीट की बात से इनकार कर रही है। आपको बता दें कि ये मामला शहर के परदेशीपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां दो पुलिसकर्मियों महेश प्रजापति और गोपाल जाट ने एक रिक्शा चालक कृष्णा कुंजीर को मास्क न पहनने को लेकर रोका था। इस बीच जवानों और रिक्शा चालक के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान रिक्शा चालक का 11 वर्षीय बेटा भी वीडियो में अपने पिता को छोड़ने की मिन्नतें करता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर पुलिस की काफी किरकिरी हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि रिक्शा चालक कृष्णा के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो नशा भी करता है। पुलिस कृष्णा को खोजने उसके घर गई थी और उसके घर वालों ने पुलिस के साथ अभद्रता की। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने जब कृष्णा को थाने लाने का प्रयास किया तब ये विवाद हुआ। इस बीच कृष्णा के परिजनों ने वीडियो बना लिया। इस मामले की जांच परदेशीपुरा CSP निहित उपाध्याय कर रहे हैं। अरे बचाओ बचाओ अरे बचाओ इसको।